उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय धनगर महासभा ने प्रदर्शन करते हुए प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि संवेदनहीनता का नंगा नाच खेला गया है, ऐसे में मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और आश्रित को सरकारी नौकरी दिलाई जानी चाहिए। अखिल भारतीय धनगर महासभा के पदाधिकारी सभासद अरविंद पाल धनगर ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने 18 वर्ष पूर्व हुए विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या किए जाने पर रोष प्रकट किया। उन्होंने मांग की कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दी जाए। आरोप लगाया कि अतीक अहमद और उसका परिवार उमेश पाल हत्याकांड में शामिल है, सभी को गिरफ्तार कर उन पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। अरविंद धनगर ने कहा कि मौजूदा सरकार का गोपनीय सूचना तंत्र पूरी तरह फेल हो गया और हत्यारों ने दिन दहाड़े स्वचालित हत्यारों और बमबारी कर उमेश पाल पर गोलियां बरसाई, जिससे उनकी मौत हो गई। कहा कि ये एक आतंकी घटना है। अरविंद धनगर ने कहा कि इस मामले में प्रदेश सरकार कार्रवाई करते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करे। अभी प्रयागराज में जो दिन दहाड़े स्वचालित हथियारों से बमों के द्वारा जो आतंकवादियों द्वारा एक तरह से बिल्कुल आतंकवादी अतीक अहमद और उसके गुंडे माफियाओं द्वारा जो उमेश पाल धनगर की हत्या दिन दहाड़े की गई है एवं उसके सुरक्षा गार्ड की, वह बहुत जघन्य हत्याकांड है। हम इस हत्याकांड का रोष करते हैं, इस पर रोष जताते हैं और उमेश पाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हैं। साथ साथ उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिले, परिवार में पत्नी को राजपत्रित नौकरी मिले, इसकी मांग करते हैं। आज हम यहाँ जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन देने के लिए पूरे अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ की पूरी टीम आई है। इस घटना में अतीक अहमद का बेटा पकड़ा गया, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसके पूरे खानदान को फांसी दी जानी चाहिए। यह मतलब गुंडा माफिया नहीं, आतंकवादी है, उग्रवादी है। और आज से 18 वर्ष पूर्व भी, और इस सरकार की भी इस समय जो है ना, मतलब हमारे जो इंटेलिजेंस है, सब चीज़ें सब के सब बिल्कुल बोने साबित हुए। आप देखिए कि बमों के द्वारा और स्वचालित हथियारों के द्वारा जो 8-10 लोगों ने उनके प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग पर जो गोली दागी है दिन दहाड़े, और जिसमें कि गाड़ियों के नंबर भी बिना नंबर की गाड़ियां भी साथ में थी, मीडिया में सारा खूब चल रहा है। ऐसे इन हत्यारों को पकड़ करके, चाहे वो अतीक अहमद का बेटा हो, परिवार हो, कोई भी हो, उन सबको फांसी दी जानी चाहिए।